A smile gives warmth. A pure and selfless smile gives a long-lasting impact. And India is a land of smiling people. और भारत की इसी खूबी की पूरी दुनिया कायल है। कुछ ही समय पहले भारत की यात्रा पर आए हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भी इस विशेषता के बारे में कुछ कहा था ना शिल्पा? बिल्कुल। He said, "You go to a village, you can see the poorest of poor, and still there is a smile on their faces." शायद यही एक मुस्कुराहट की ताकत होती है जो हर किसी को अपना बनाने में माहिर है। इसीलिए शायद स्माइल के बारे में कहा जाता है दैट स्माइल इज द ओनली की दैट कैन फिट एवरीबॉडीज हार्ट्स लॉक। हेलो एंड वेलकम टू स्माइल इंडिया स्माइल। आई एम गवीश और मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना। नमस्कार। और इस स्पेशल शो में हम आपके लिए लेके आए हैं वो बेहतरीन तस्वीरें जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी स्टिल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में, जिसकी थीम थी स्माइल इंडिया स्माइल। पर्यटन पर्व 2017 के अंतर्गत दूरदर्शन और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर एक स्टिल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया, जिसकी थीम रखी गई स्माइल इंडिया स्माइल। क्लिक 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 क्लिक। इफ यू डू क्लिक, सेंड अस ओरिजिनल डिजिटल नॉन एडिटेड बेस्ट स्माइलिंग पिक्चर्स फ्रॉम योर ट्रैवल डायरी फॉर अ स्टिल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट। एस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड दूरदर्शन से स्माइल इंडिया स्माइल। पांच अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन पर्व के साथ ही दूरदर्शन ने अपने देश भर के दर्शकों के लिए इस कॉन्टेस्ट की शुरुआत की। इस कॉन्टेस्ट में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थीम के मुताबिक हमें देश के कोने कोने से तस्वीर में कैद हंसते मुस्कुराते चेहरे मिले। पर्यटन पर्व 2017 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने के साथ मिलकर दूरदर्शन ने स्टिल फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया, जिसकी थीम थी स्माइल इंडिया स्माइल। इस कॉम्पिटिशन में जिस तरह से देश भर से दर्शकों ने हिस्सा लेकर अपना उत्साह दिखाया, उसे न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिला बल्कि ये एक ऐसी पहल थी जिसमें हमारे सभी दर्शकों को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया, क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसा हुनर है जो सब में पाया जाता है। यह कॉम्पिटिशन उन सभी लोगों के लिए था जो कैमरा हैंडल करना जानते हैं, चाहे वो आपके मोबाइल का कैमरा हो या फिर कोई प्रोफेशनल कैमरा। वी गॉट मोर देन 8,000 एंट्रीज। The photographs which have been selected and some of the top photographs of our beautiful tourist sites will be put up on our website and used for our publicity material. तो आपने देखा कैसे शुरुआत हुई Smile India Smile contest की। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ contest में हजारों की तादाद में photos आईं, लेकिन उनमें से best 3 photos का चुनाव कैसे हुआ होगा? तो चलिए बता ही देते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी तस्वीरों में से 50 बेस्ट तस्वीरों का चयन किया गया। Thank you.
अलग अलग जगह से भेजी गई ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। ऐसे में सबसे पहले इन तस्वीरों में से थीम के मुताबिक भेजी गई तस्वीरों को चुनकर अलग कर लिया गया। इस कंपटीशन में हमारे पास देश के लगभग सभी राज्यों से हजारों की तादाद में एंट्रीज आई। इन हजारों एंट्रीज की स्क्रीनिंग के बाद इनमें से बेस्ट 50 पिक्चर्स को चुना गया, जिसमें से टॉप 3 विजेताओं को कैश प्राइज के साथ सर्टिफिकेट दिया गया। वो बेस्ट 50 तस्वीरें कौन कौन सी थी, चलिए अब हम बता ही देते हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल बताएंगे गवीश, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं पर्यटन के ऊपर ये खूबसूरत सी रिपोर्ट। पर्यटन यानी घूमना फिरना, सैर सपाटा। पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराता है, किसी भी देश या राज्य के आर्थिक विकास को गति देता है। भारत में पर्यटन सेवा क्षेत्र का एक बड़ा उद्योग है, जो न सिर्फ रोजगार परक है बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास की भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। इतना ही नहीं, पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। UNWTO के मुताबिक साल 2016 में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले देशों में भारत का स्थान 13वां है, जो साल 1999 में 35वां था। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें तो WTTC के अनुसार साल 2016 में यात्रा एवं पर्यटन उद्योग ने 4,03,00,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे विश्व में भारत का स्थान कुल रोजगार उत्पन्न करने के मामले में दूसरा हो गया है। देश के कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा 9.3% है। इसके साथ ही अगर बात करें GDP की, तो भारत विश्व की 7वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC के अनुसार साल 2016 में ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर ने GDP में 208.9 बिलियन US डॉलर का योगदान दिया है, जो देश की GDP का 9.6% है। वैसे तो कुल GDP में घरेलू पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 88% है, लेकिन भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आंकड़ों के अनुसार साल 1991 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की तादाद 16,80,000 थी। 2001 में ये तादाद 25,40,000 हुई और साल 2016 में ये आंकड़ा बढ़कर 88,00,000 तक पहुंच चुका है।
विश्व पर्यटन सूची में भारतीय पर्यटन की रैंकिंग में साल दर साल सुधार हो रहा है। साल 2013 में जहां भारत का स्थान 65वां था, वहीं 2015 में 52वां हो गया और साल 2017 में 12 अंकों की लंबी छलांग लगाकर भारत 40वें पायदान पर आ गया है। इन आंकड़ों से ये साफ है कि विदेशी पर्यटकों का रुझान भारत की ओर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और हो भी क्यों ना, विविधताओं से भरे इस देश में प्रकृति के इतने सारे रंग पर्यटकों को एक ही साथ एक ही जगह पर मिलते हैं, जो शायद ही एक साथ कहीं और पाए जाते हों। चाहे प्राकृतिक सौंदर्य हो या नवीनतम तकनीक, संगीत साहित्य हो या योग आध्यात्म, भारत के समान अनेकता में एकता कहीं और नहीं पाई जाती। इसके साथ ही देश की कला और साहित्य की समृद्ध परंपरा विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि भारत में ऐसे विदेशियों की संख्या भी कम नहीं है, जो यहाँ रहकर कोई ना कोई भारतीय कला सीख रहे हैं। यहाँ के भांति भांति के पकवान अपना एक अलग ही आकर्षण रखते हैं। भारत की अतुल्यता और अध्यात्म हमेशा से विश्व के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। भारत विविधताओं का देश है, जहां प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं रेगिस्तान, कहीं बारिश है तो कहीं सुनहरी धूप, और हमारे देश में हर जगह दूसरी जगह से बिल्कुल अलग है और खास है। तभी तो हमारे देश में न केवल विदेशी पर्यटक आते हैं, अपितु देसी पर्यटक भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों पर जाकर भारत की विविधताओं का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल, और वैसे हम लोग तो अभी स्टूडियो में हैं, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली इन झलकियों के जरिए हम लोग भी पर्यटन का मजा ले सकते हैं। आई होप यू एग्री विद मी। भारत में देसी यानी घरेलू पर्यटकों की संख्या काफी बड़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश का हर एक हिस्सा एक दूसरे से भिन्न है। जलवायु अलग है, संस्कृति अलग है, बोली, भाषा, खान पान सब अलग है। यही भिन्नता देशी पर्यटन के उद्योग को बढ़ावा देती है। यहाँ जो सौंदर्य कश्मीर में दिखता है, केरल उससे बिल्कुल अलग है। राजस्थान और बंगाल की प्राकृतिक संपदा की कोई तुलना नहीं है। चाहे गंगा के घाट हों या लद्दाख के बौद्ध स्थल, इनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ, न देश में न विदेश में। आगरा का ताज, दिल्ली का किला, खजुराहो की वास्तुकला, अशोक स्तंभ, फतेहपुर का बुलंद दरवाजा, कश्मीर की घाटी और गंगा तट की माटी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको बताते हैं साल 2016 में उन 10 स्थानों के बारे में जहां घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है। इस फेहरिस्त में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 34.38 करोड़ थी। वहीं दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहां पर्यटकों की संख्या 21.17 करोड़ थी। आंध्र प्रदेश 15.31 करोड़, मध्य प्रदेश 15.04 करोड़, कर्नाटक 12.97 करोड़, महाराष्ट्र 11.65 करोड़, तेलंगाना 9.52 करोड़, पश्चिम बंगाल 7.45 करोड़, गुजरात 4.23 करोड़, और राजस्थान में घरेलू पर्यटकों की संख्या 4.15 करोड़ थी। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे टॉप 50 पिक्चर्स। सो गो बैक स्माइलिंग एंड कम बैक स्माइलिंग।
लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए, इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। Welcome back. You are watching Smile India Smile. और गवीश, हमारे सभी दर्शक जिन्होंने स्माइल इंडिया स्माइल कॉन्टेस्ट के तहत अपनी तस्वीरें हमें भेजी हैं, अब वो सभी लोग ये जानने को तो बिल्कुल बेताब होंगे कि क्या उनकी तस्वीरें हमारी बेस्ट 50 पिक्चर्स में शामिल हुई हैं? सही कहा शिल्पा, तो देर किस बात की, चलिए रुक करते हैं स्माइल इंडिया स्माइल कॉन्टेस्ट की बेस्ट 50 पिक्चर्स की ओर। वॉच आउट, बेस्ट 50 पिक्चर्स में चुनी गई ये हैं ऐसे बचपन की तस्वीरें जो कभी शरारती हैं, तो कभी नटखट, कभी अलहड़, तो कभी मासूम, रूठना मनाना, जिद पर अड़ जाना, ये सब बचपन की पहचान होती है। ये वो उम्र होती है जब हम जिंदगी का भरपूर मजा लेते हैं, हर फिक्र से दूर, न छल न कपट, यही बचपन के मायने होते हैं। मासूम, शरारती और हथीला बचपन तो आपने देख लिया, अब रुख करते हैं कुछ और तस्वीरों का। मेरे हंसने से हंसती है, मेरे रोने से रोती है, मेरी खुशहाली के सपने जो दिन रात संजोती है, उठाती है हजारों गम, है फिर भी छांव जैसी नम, जो मेरे दर्द को बिन कहे समझती है, वो माँ ही होती है। The happiest people are the givers, not the takers. ये है हमारे देश की ताकत, देश का किसान, जो खेतों में रात दिन खुद को खपाकर देश के लिए अन्न उपजाता है। ये मुस्कुराते चेहरे यही बयां कर रहे हैं कि जो खुशी दूसरों को कुछ देने से मिलती है, वो कुछ पाकर कभी हासिल नहीं हो सकती। Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been. उम्र के इस पड़ाव पर इन चेहरों की ये स्माइल हमें जिंदगी जीने का जिंदा दिल तरीका सिखा देती है। किसी ने बहुत खूब कहा है,
कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए और हंसो इतना कि गम आपको छू भी ना पाए. Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy. अगली बार आप भी दिल से मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने से न सिर्फ जिंदगी आसान होती है बल्कि मुस्कुराता चेहरा दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे जाता है. तो ये थी हजारों की एंट्रीज में से चुनी गई टॉप 50 पिक्चर्स. और गवीश, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मेरी तरह हमारे सभी दर्शक भी इस बात को जानने के लिए बेताब हैं कि टॉप 50 पिक्चर्स में से कौन सी है ऐसी 3 पिक्चर्स जिन्हें मिला है टॉप 3 का खिताब. एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस. शिल्पा, उन टॉप 3 पिक्चर्स के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारे दर्शकों को. हम अपने अगले एपिसोड में स्माइल इंडिया स्माइल कॉन्टेस्ट के उन 3 टॉप पिक्चर्स के विजेताओं के नाम घोषित करेंगे इसी समय इसी दिन. सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी. जय हिंद.